स्वागत है आप सभी का सोलर बल में। आप में से काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई कि हमें पूरे 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन बताइए, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर क्या है कि हमें कोई इलेक्ट्रीशियन या फिर जो सोलर इंस्टॉलर है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आप जो सोलर सिस्टम है वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्या सामने आ जाती है कि इंस्टॉल कौन करेगा। तो क्या है कि सोलर सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरे 1 किलोवाट का इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर शुरू से लगा के एंड तक की हर एक चीज़ आपको समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले दो छोटे साइज़ की लेग है, इन दोनों ही लेग को हम एक ही दिशा के अंदर रखेंगे, जो इनकी डायरेक्शन होगी वो एकदम सेम रहेगी। इसके बाद में जो बैक साइड की लेग होती है इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, इन दोनों लेग को भी हमें जो सेम डायरेक्शन है जिसको हमने फ्रंट साइड की लेग को रखा उसी डायरेक्शन में रखेंगे। इसके बाद में जो हमारा राफ्टर है लगभग 135 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसको यहाँ पर काम में लेंगे। इसकी जो यूज़ है वो यहाँ पर ये यह होता है कि हमारा जो चैनल है जिसके ऊपर सोलर पैनल टाइट होने वाले हैं वो इसके ऊपर फिक्स किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें नट और बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नट और बोल्ट की मदद से क्या होगा कि हम इसे इसके ऊपर फिक्स करेंगे काफ़ी सही तरीके से। आपको प्रॉपर इसे टाइट करना है ताकि ये कभी खुल नहीं जाए। अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि मैं जिस होल के अंदर टाइट कर रहा हूँ उसके आगे भी आपको दो होल लगाई दे रहे हैं। तो जिस होल में मैं टाइट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको 25 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर आप आगे वाले होल में टाइट करते हो तो यहाँ पर लगभग आपको 15 डिग्री का होल मिलेगा। इसके बाद में हम यहाँ पे जो जॉइंट प्लेट है इसको काम में लेंगे। इन जॉइंट प्लेट को यहाँ पर इसलिए काम में लिया जाता है ताकि चैनल को इसके ऊपर हम टाइट कर सकें। इन चारों ही पीस को आपको राफ्टर के ऊपर टाइट करना है। प्रॉपर सही तरीके से टाइट होने के बाद में आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी चैनल की। तो यहाँ पर जो हमारे चैनल है इसकी लगभग हाइट जो है वो 3 मीटर है। इसकी टेपिंग को हम हटाएंगे। इसके बाद में क्या होगा कि इसको जो हमारा स्ट्रक्चर हमने अभी तक का रेडी किया है इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कैप्सूल माउंट होता है यानी कि कैप्सूल के आकार का एक होल क्या हो जाता है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, जो क्या होगा हमारे सोलर पैनल को टाइट करने के काम आएगा। तो इसका हम यहाँ पर प्रॉपर ध्यान करते हुए इसको जो हमारे जॉइंटर प्लेट लगाई है इसके ऊपर फिक्स करेंगे। प्रॉपर यहाँ पे आगे और पीछे दोनों साइड की जो लेग है आपको इसके ऊपर जो चैनल है इसको सही तरीके से टाइट करना है। एक बार प्रॉपर आप स्क्रू और नट को टाइट कर देंगे उसके बाद में जो व्रेंच स्पैनर है इसकी मदद से आपको प्रॉपर इसे टाइट करना है ताकि ये खुल नहीं जाए किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसे फिक्स करने की। तो यहाँ पर क्या है कि हम इसे परमानेंटली फिक्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो ईंट के ब्लॉक होते हैं उन्हें काम में ले रहे हैं, चारों कॉर्नर पे उन्हें रख देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हिले ना। अगर आप छत के ऊपर इसे टाइट करें तो काफ़ी जगह मैंने गलती देखी है कि क्या करते हैं कि छत के अंदर ड्रिलिंग कर देते, तो वो काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं करना होता है। इसकी जगह क्या होगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो आपने देखा हो रोड साइड के जो लाइटिंग पोल लगाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्क्रू और नट की मदद से उन्हें टाइट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ड्रिलिंग नहीं की जाती। इसकी जगह पर वहाँ पे RCC के ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, इसके अंदर जो बोल्ट होता है उसको उल्टा लगा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर अंदर की साइड फिट हो जाए और उसके ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर या फिर वो पोल होता है जिसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार इसे टाइट कर लिया प्रॉपर होने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर सोलर पैनल को टाइट करने की। तो हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं लूम सोलर के 375 वाट के 3 सोलर पैनल। तो सोलर पैनल को टाइट करने के लिए क्या है कि अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पूरे किट साथ में मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये नट आपको स्क्रू और नट साथ में मिलेंगे, इसको आपको प्रॉपर सही तरीके से टाइट करना है। और जो व्रेंच स्पैनर है यहाँ पे आपको 10 mm के व्रेंच स्पैनर की ज़रूरत होगी, उसकी मदद से चारों कॉर्नर के ऊपर इसे प्रॉपर सही तरीके से ऐसे नट और बोल्ट को टाइट करेंगे। तो टाइट होने के बाद में जब पहला पूरा सोलर पैनल फिक्स हो जाएगा इसके बाद हम दूसरे सोलर पैनल को सेम उसी तरीके से कनेक्ट करेंगे, और दूसरा सोलर पैनल टाइट होने के बाद तीसरे पैनल को भी सेम उसी तरीके से आपको फिक्स करना है। और तीनों सोलर पैनल को टाइट करने के बाद हमारे सोलर पैनल और स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आ जाती है इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्ट करने की। तो इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी MC4 कनेक्टर की। यहाँ पर जो MC4 कनेक्टर हम काम में लेंगे वो 3-in-1 है, यानी कि 3 वायर एक साइड लगेंगे और एक साइड एक वायर निकलेगा। यहाँ पर हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये कि सोलर पैनल के वोल्टेज एक समान रहेंगे और एम्पियर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो भी 24 वोल्ट का है।
और हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट के दो बैटरी हैं हमारे पास, उनको हम सीरीज़ में कनेक्टर करके यहाँ पे 12-12 से 24 वोल्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर MC4 कनेक्टर को काम में लेने से आपको एक और फ़ायदा मिला कि आपकी जो वायरिंग है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वायर जिस जगह पर लगना होगा वो वहीं पर लगेगा, वो कभी भी वहाँ पर आप गलत नहीं लगा सकते हैं। तो MC4 कनेक्टर को काम में लेने से आपको और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि स्पार्किंग वगैरह जनरेट नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पर बारी आती है सोलर बैटरी की। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में लगभग 200-150 AH बैटरी को काम में लिया जाता है, यानी कि 150 AH की बैटरी। तो हमारे पास यहाँ पर लगभग 120 AH की हाल फिलहाल में दो बैटरी है जिसको हम इस इंस्टॉलेशन के अंदर काम में लेंगे। दोनों ही सोलर बैटरी है और इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक सोलर इन्वर्टर की। तो 1 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन होता है इसमें लगभग 1500 VA से ज़्यादा का जो सोलर इन्वर्टर है उसे काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका स्टैंड है सोलर इन्वर्टर का उसको रखेंगे और उसके ऊपर जो इन्वर्टर है इसे रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो सोलर पैनल है इसके जस्ट नीचे ही जो बैटरी और इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप इसके जस्ट नीचे इंस्टॉलेशन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है कि जो आपकी बैटरी होती है और इन्वर्टर, इनके किसी तरीके का पानी नहीं लगना चाहिए। तो ये एक यहाँ पर खाली समस्या है। बाकी क्या होता है कि आप भी इसके जस्ट नीचे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर क्या होता है कि आप इसे छत के ऊपर भी ऐसी जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो कि इन दोनों ही आइटम के किसी भी तरीके से पानी ना लगे। इसके बाद में हमारे जो सोलर पैनल और इन्वर्टर है दोनों ही 24 वोल्टेज के हैं, लेकिन जो बैटरी होती है वो 12 वोल्टेज के अंदर ही मिलती है। तो जो दोनों बैटरी है इसके अंदर हमें यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्शन करना होगा, यानी कि प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो एम्पियर है वो एक समान ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिरे को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये जो वायर है ये भी DC वायर है, मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है, और आप बैटरी जब ख़रीदते हैं तो आपको ये वायर साथ के में मिल जाता है। तो हमने एक साइड के जो सिरे हैं प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दिया है, और इसे क्या है कि जो हमारा व्रेंच स्पैनर इसकी मदद से प्रॉपर टाइट करना है। अब यहाँ पर इन्वर्टर का जो पॉजिटिव वायर है उसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसे आपको प्रॉपर सही तरीके से वायर को कनेक्ट करना है, कोई भी वायर अगर ढीला रह गया तो यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है। तो जितने भी नट और बोल्ट आप टाइट करें उन्हें प्रॉपर एकदम टाइट कीजिए। इन्वर्टर और बैटरी का जब लास्ट सिरा आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको हल्की सी स्पार्किंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप प्लायर की मदद ले सकते हैं, या फिर उसे एक बार में कनेक्ट कर दीजिए और बोल्ट को टाइट कर दीजिए, जिसके बाद में वहाँ पर स्पार्किंग जनरेट नहीं होगी। अगर आप बार बार उसे कनेक्ट करेंगे या फिर हटाएंगे और टच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर स्पार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको पहले से ध्यान रखना है और उसे प्रॉपर सही तरीके से एक बार में ही टाइट कर देना है। लास्ट में बारी आ जाती है सोलर पैनल और इन्वर्टर के कनेक्शन की। तो जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर के अंदर स्क्रीन चालू हो गई और इसके अंदर बैटरी कितने परसेंट चार्ज है वो बताने लग गया है। अब यहाँ पर सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी DC वायर की। अब DC वायर की आप लंबाई कितनी लेंगे वो चीज़ आप नाप सकते हैं अपने कि आपने इन्वर्टर और बैटरी को सोलर पैनल से कितनी दूरी पर लगाया है, उसके हिसाब से आप जितना लंबा आपको वायर की ज़रूरत हो वो आप ले सकते हैं, मार्केट के अंदर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरे पास जैसा आप देख सकते हैं मैंने दो कलर का यहाँ पे वायर लिया है, एक है रेड कलर का और दूसरा है प्योर ब्लैक कलर का। अब इन दोनों वायर को मैं छील लेता हूँ और इसके जो दोनों सिरे यहाँ पर मैं MC4 कनेक्टर कनेक्ट कर दूंगा एक एक साइड में। अब दोनों वायर के मैंने एक एक साइड में ये MC4 कनेक्टर लगा दिया है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस सिरे पे प्लस लगा रहे हैं उसको आपको पॉजिटिव का ही रखना है, और जिसको आप माइनस का या फिर जो नेगेटिव सिरा जहाँ पे कनेक्ट करें उस वायर का आपको प्रॉपर पहले से ही ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि जो रेड वायर होता है उसको आप पॉजिटिव का रखिए और जो आपका ब्लैक वायर है उसको नेगेटिव का रखिए, ताकि क्या हो कि आपको पहचानने में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। इसके बाद में वायर को पहले हम इन्वर्टर के बैक साइड में प्रॉपर सही तरीके से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्वर्टर आपका सोलर इन्वर्टर, तो बैक साइड में आपको पोर्ट दिए हुए होंगे, वहाँ पर इसको सही तरीके से टाइट करना है। दोनों वायर इन्वर्टर के बैक साइड में प्रॉपर तरीके से आपको टाइट करने हैं। इसके बाद में आपको जो वायर है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वायर होता है वो बीच में से कहीं से डैमेज मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद में भी वो नहीं चल पाता और हम चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पर हमारे एक्चुअल में मिस्टेक आ रही है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम क्या करें कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, क्लैंप मीटर की मदद से हम कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी चेक हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा वायर सही होगा तो एक क्लैंप मीटर से एक बीप का साउंड आपको सुनाई देगा। तो हम दोनों वायर की ये चेक कर लेते हैं कि दोनों वायर पूरे तरीके से प्रॉपर है। तो हमारे केस के अंदर दोनों ही वायर पूरी तरीके से सही है। तो हमारे यहाँ पर अब क्या है कि ये वायर प्रॉपर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वायर को जो हमारे सोलर पैनल के यहाँ पर हमने MC4 कनेक्टर कनेक्ट किए उससे आपस में जोड़ देंगे। अब इन्हें प्रॉपर टाइट करने के बाद चेक कर लेंगे कोई वायर खुल तो नहीं रहा है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि इन्वर्टर को चालू करने से पहले आपको एक बार और जितने भी आपने कनेक्शन किए इनको चेक करना है, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो पहले आपको पहले से ही चेक कर लेना है कि प्लस का वायर लास्ट तक प्लस में ही जा रहा है और माइनस का माइनस में ही, कहीं बीच में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। अगर हुआ हो तो उसको पहले सही करना है। अब उसके बाद में क्या होगा कि लास्ट में आप जो इन्वर्टर है इसको स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपका इन्वर्टर के ऊपर आप लोड चला सकते हैं, इसके ऊपर जो भी आपको चीज़ रन करनी है वो कर सकते हैं। जैसा इन्वर्टर की स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं आपको सारी चीज़ बता रहा है, और हमारे सोलर पैनल से जो करंट बन रहा है उससे अब बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बारी आती है इस इन्वर्टर के ऊपर लोड चलाने की, इस जो हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है इसके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक ड्रिल मशीन चला रहे हैं जो लगभग 300 से 400 वाट का एक हैमर ड्रिल मशीन है, जिसका यूज़ दीवार वगैरह ईंट इनके अंदर होल करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर हम जो हमारा क्लैंप इंटर है इसको लगा दे ताकि हमें पता चल सके कि इसके लिए हमें कितने करंट की ज़रूरत हो रही है। इसके बाद में हम इसके ऊपर रन करने वाले हैं 1 HP का मोनो ब्लॉक वाटर पम्प। वाटर पम्प को जैसे ही हमने इसके ऊपर कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि ये इसके ऊपर रन नहीं हुआ और एक इन्वर्टर के अंदर ओवरलोड की बीप स्टार्ट हो गई, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसके ऊपर लोड रन कर रहे हैं और वो उसके ऊपर नहीं चला पा रहा है, जिसके कारण जितना भी हम उसके ऊपर उस वक्त में लोड चला रहे होते वो सारा बंद हो जाता है। तो ये चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि आपको अगर ज़्यादा कैपेसिटी का लोड रन करना है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जो इन्वर्टर है वो हायर कैपेसिटी का खरीद सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड रन कर सकें। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरीके से प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर ये आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका अगर कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।